पर इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर मुरली हैं 9 फरवरी 2024। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने शिव जयंती पर सेवा करने के लिए कहा। शिव जयंती नज़दीक आ रही है तो बाबा ने कहा सबको समझाना है कि शिव जयंती हीरे तुल्य है और शिव जयंती पर सबको निराकार बाप की बायोग्राफी समझानी है। समझाना है जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते हैं वही उनकी जयंती गाई जाती है। इसलिए गीता में भी कहा मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। फिर कहा समझाना है कर्तव्य भी उनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार, तो जरूर कुछ करके गए हैं। महिमा उनकी होती है जो कुछ करके जाते हैं। और आज विशेष बात बाबा ने कही कि तुम बच्चे जानते हो सच्चा सच्चा शिव बाबा का मंदिर वास्तव में यह ब्रह्मा का रथ है जहाँ रचता खुद शिव बाबा बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। फिर कहा कि ज्ञान का विचार सागर मंथन करके बच्चों को शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी है। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटी आदि भी सवेरे बजाते हैं, तो समझाना है शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, अंधेरी रात पूरी होती है, सतयुगी दिन शुरू होता है तब आते हैं। और साथ में बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाकर लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनानी है, राम के मंदिर में भी जाकर उनकी जीवन कहानी सुनानी है। और कहा समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। और आज बाबा ने एडवांस पार्टी के लिए कहा कि जो बच्चे यहाँ से जाएंगे वह अच्छे घर में जन्म लेंगे, जरूर अज्ञानी के घर में जन्म लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म नहीं ले सकते क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण पवित्र होते हैं, बाकी हाँ अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म, फिर वह थोड़ा बड़ा होने के बाद अपना ज्ञान का जलवा दिखाते रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्य को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ, यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। आज मुरली से प्रश्न है तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीपक जलता है अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जगाते लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक आत्मा की ज्योति शिव बाबा के आने से जगता है, इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाते हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ, सबको युक्ति युक्त समझाने दो। दूसरा, अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है, दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। आज बाबा ने वरदान दिया सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखोट अखंड महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखोट अखंड महादानी भव। स्पष्टीकरण है बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं वह नंबर वन बन जाते हैं। द्वापर से भगत आत्माएं भी दानी बनती हैं लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो वह एक सेकंड भी दान के बिना रह नहीं सकते। बाबा ने अखुट अखंड महादानी का भावार्थ बताया कि निरंतर अखंड महादानी सहज सेवाधारी बनना है। बाबा ने इतने अखुट खजाने दिए हैं तो हमारे संबंध संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा एक सेकंड भी खाली ना जाए। आज का स्लोगन है अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो।
अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त इशारा है, इशारे का सार है, मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। आज बाबा कहे, कई बच्चे कहते हैं, मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है, लेकिन आप अपने निजी स्व के भाव अर्थात आत्मिक भाव में रहो तो यह देहभान वाला स्वभाव स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। आपके मधुर बोल दूसरों को भी खुश करते और स्वयं को भी खुश रखते। आपकी सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हो। जो भी सामने आए दो घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल लो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। दो घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उसकी सृष्टि को बदल लेंगे। आज बाबा ने दो बातें बताई, एक तो जो हम कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो उसको परिवर्तन कर सदा आत्मा के जो निजी स्वभाव है उसको स्मृति में लाओ तो स्वयं के स्वभाव में स्वतः परिवर्तन आने लगेगा। और दूसरा बाबा ने कहा कि सदा दूसरों को मीठे बोल द्वारा, मीठी दृष्टि द्वारा, मीठे कर्म के द्वारा व्यवहार में आना है। तो जो भी व्यवहार में आने वाली आत्मा है वो चाहे कुछ पल के लिए ही आपके साथ क्यों ना हो, लेकिन आपका साथ उसको भरपूरता का अनुभव कराएगा। आपकी मीठी दृष्टि, आपके मीठे बोल सामने वाली आत्मा की सृष्टि बदल देगा, उसके जीवन को परिवर्तन कर देगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।